हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी शाम का समय है और मेरा मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। वैसे तो मैं 5-6 दिन से इस रेसिपी को बनाने को सोच रही थी, लेकिन नहीं बना पा रही थी। कभी दिमाग से निकल जा रहा था, तो कभी सुबह होता था तो ब्रेकफास्ट का टाइम, तो कभी शाम था तो खाना बनाने का टाइम। इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज अचानक मेरे माइंड में आया कि चलो आज बना ही लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ आलू का पकौड़ा बनाने, वो भी लच्छा वाला। तो चलिए दोस्तों, मैं आलू का लच्छा वाला पकौड़ा कैसे बनाती हूँ वो आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें मैं आलू का लच्छा पकौड़ा कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैं पकौड़े के साथ खाने के लिए चटनी बनाऊँगी। चटनी मैं आम का बनाऊंगी क्योंकि आम का सीजन लास्ट ही है, लेकिन मेरे घर में कुछ कच्चे आम थे तो मैं सोची कि इसके साथ खाने के लिए मैं आम का चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए अभी मैं जीरा और मिर्ची को रोस्ट कर रही हूँ, और आम यहाँ पे मैं काट कर रख ली हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। और उसके बाद मैं पकौड़ा बनाने के लिए आलू छील रही हूँ और इधर रोस्ट कर रही हूँ जीरा और मिर्ची। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आलू को अच्छी तरह से पहले धो ली थी, उसके बाद मैं आलू को छीली हूँ। आलू के छिलका उतारने के बाद मैं फिर से और अच्छी तरह से धो ले रही हूँ, क्योंकि ये घर का ही आलू है तो इसमें बहुत सारे मिट्टी ये सब होते हैं। फिर मैं अब धो रही हूँ कद्दूकस करने की मशीन। और ये जो मेरी मशीन है ये बहुत ही पुरानी है, मैं बचपन से ही इसको अपने घर में देख रही हूँ, बहुत ही पुरानी। तो दोस्तों, मैं अब इसे भी धो ली हूँ और चलिए। तो अब चलिए मैं काट लेती हूँ आलू को। आलू के काटने के लिए मैं एक बर्तन ले ली हूँ, और अब देखिए इसमें दो तरीके के छेद है, तो इसमें जो मोटे वाले हैं उससे मैं काटूँगी। जल्दी जल्दी काटने में मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं अंगुली ये सब ना कट जाए, क्योंकि कभी कभी मैं गजरा ये सब का हलवा बनाने के लिए काटती हूँ तो जल्दीबाजी के चक्कर में होता है कि हाथ ये सब भी थोड़ा बहुत कट जाता है। तो इसलिए मैं ध्यान रखते हुए आलू को काट ले रही हूँ। और यहाँ जीरा भी रोस्ट हो गया है तो मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना लच्छेदार ये कटा है, ये कट गया है। फिर मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने से होगा कि आलू का कलर काला नहीं होगा। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालकर रख दे रही हूँ। नमक इसमें मैं अभी इसलिए डाल दे रही हूँ ताकि आलू में अंदर तक नमक पहुँच जाए, और तब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो चटनी में मैं यूज कर रही हूँ हरी मिर्ची और दो लाल मिर्ची और कटा हुआ आम, और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा रोस्ट करके। यहाँ पे मैं मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि आज मेरा तीखा खाने का मन है। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ नमक, और सभी को डालकर अच्छे से मैं पीस ले रही हूँ। तो अब चटनी भी पीस कर हो गया है तैयार, और देखने से ही लग रहा है कि बहुत टेस्टी चटनी होगा। चलिए अब शुरू करते हैं लच्छा पकौड़ा बनाने की प्रोसेस। तो दोस्तों, अब मैं जो आलू को पानी में रख कर छोड़ी थी उसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो ली हूँ। धोने के बाद इसे देखिए मैं किस तरीके से हाथ से दबा दबा कर अच्छी तरह से छान ले रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं बचे। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी बच जाएंगे तो मैं जो स्टफिंग के लिए यूज करूँगी बेसन का, तो वो ज़्यादा बेसन लगेंगे तो इसमें आलू का टेस्ट ना आकर बेसन का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो मैं आलू को अच्छी तरह से छान ली। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पकौड़े के स्टफिंग में क्या क्या रखती हूँ वो आप लोग देखिए। तो मैं सबसे पहले आलू को जो काटी हूँ लच्छेदार, उसको डाल ली हूँ एक बर्तन में,
और इसमें मैं डाली हूँ 2 से 3 चम्मच चना का बेसन, और यहाँ थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ जीरा पाउडर, 3-4 हरी मिर्ची काटकर, और थोड़ी सी अदरक कूटकर, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ लाल मिर्ची और गरम मसाला का पाउडर, और स्वाद के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नमक डाल दी हूँ। फिर मैं मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा चावल का आटा। दोस्तों, इस रेसिपी को आप किसी भी व्रत में भी यूज कर सकते हैं, जैसे नवरात्रा ये सब में जो फलाहार करते हैं, लेकिन यहाँ बेसन का यूज नहीं करना है, उसमें आप सिंघाड़े के आटे का यूज कर सकते हैं। तो अब हमने स्टफिंग को तैयार कर लिया है, और चलिए अब फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं डाल दी हूँ यहाँ पे रिफाइंड तेल, आप चाहे तो यहाँ सरसों का भी तेल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तेल जब तक गर्म हो रही है तब तक मैं छोटे छोटे बॉल बनाकर और चपटा करके पकौड़े के शेप में बनाकर रख ले रही हूँ, ताकि जब तेल गर्म हो तो जल्दी जल्दी मैं डाल दूँ। तो अब यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है और मैं डाल रही हूँ पकौड़े। जब तेल मेरा गर्म हो गया है फिर मैं गैस के फ्लेम को कर दी हूँ मीडियम, ताकि जो मेरा पकौड़ा है अच्छे से पक सके और बहुत ही क्रिस्पी हो। दोस्तों, तो आज मैं आलू का जो लच्छे वाला पकौड़ा है वो पहली बार बना रही हूँ। आलू का मैं बहुत सारे पकौड़े आज तक बनाई हूँ, जो बेसन में बनाया जाता है लपेट कर वो भी बनाई हूँ, और आलू चप भी बनाई हूँ, लेकिन लच्छे वाला पकौड़ा है वो आज मैं पहली बार बना रही हूँ। और देखिए दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से पक गया है। फिर मैं सभी पकौड़े को एक एक करके निकाल ले रही हूँ, और देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। तो दोस्तों, अब बचे हुए जो हैं उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसका जो पकौड़ा का कलर है वो बहुत ही डीप नहीं की हूँ, क्योंकि ये कम ही फ्राई में बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो गया है। ये जो लच्छा वाला पकौड़ा है ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मुलायम है। तो अब मैं और बचे हुए पकौड़े को फ्राई कर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं चटनी में सरसों का तेल नहीं मिलाई थी तो अब मिला ले रही हूँ, ताकि मैं सबको खाने के लिए दूंगी, क्योंकि पकौड़ा ये सब गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा होने पर बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, तो जब तक मैं पकौड़े बनाने में लगी हूँ, तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों, जब तक पकौड़ा हो रहा है तब तक मैं बाहर मम्मी ये सब बैठी हुई हैं, तो उनको दे आती हूँ खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है पकौड़ा। तो दोस्तों तो यहाँ पे सारे पकौड़े बन गए हैं, और मैं टेस्ट करके भी एक देख ली हूँ, इसका टेस्ट आज बहुत ही अच्छा हुआ है। लग नहीं रहा है कि ये आलू का पकौड़ा है, और मैं बाहर भी जब मम्मी लोग को दी हूँ तो मम्मी भी नहीं पहचान रही थी, उनको लग रहा था कि प्याज का पकौड़ा है। तो अब यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो आज मैं ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।